सत्संग सेवा करनी चाहिए, सेवा से मन लगता है, सेवा से सत्संग सुनने की भिक्षा होती है। और सेवा करने से जब कर्म करते हैं तो भजन में ध्यान में भी मन लगता है। अब भजन और ध्यान में कम मन लगता है कि जब सुमिरन ठीक ढंग से करते हैं। तो ये जो तीनों हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये समझ लो कि तीनों सगे भाई हैं। जैसे एक मास के पेट से तीन बच्चे बन करके पल करके बाहर निकलते हैं तो वो तीनों सगे भाई कहलाते हैं। ऐसे ही ये सुमिरन और ध्यान और भजन, ये सगे भाई हैं। इनको समझो कि तीनों का रहना जरूरी होता है। अभी देखो, बाप को कोई फैसला लेना हो तो सभी बच्चों को बुला करके तब फैसला लेता है कि भाई हमको ये करना है, ऐसा हमको बंटवारा करना है, ऐसा हमको खर्चा करना है, इस तरह से करना है। तो यह तीनों जरूरी होता है। अब आपको बताया गया है सुमिरन करने का, ध्यान करने का, भजन करने का। अब आप कहोगे मन नहीं लगता है, सुमिरन करने में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है। तो मन तो नहीं लगता है, मन इसलिए नहीं लगता है कि मन हो गया गंदा, मन गंदा हो गया, मैला हो गया। कहा ना, गुरु बिन मैलो मन को धोई, जन्म जन्म का कालिक लगा, कागा हंस न हो। जन्म जन्म का कालिक है, जन्म जन्म का यह मन मलिन है, उन कर्मों से मलिन है। पिछले जन्म में भी कहीं थे, उसमें जो कर्म बन गए हैं उसी की वजह से ये मनुष्य शरीर मिला। वही कर्म जो संचित कर्म है वो नहीं खत्म हो रहे हैं, तो वही मन के ऊपर अनजमा है। देखो, किसी का मन कहते हो बड़ा मन मलिन है इनका,